गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह 6 बजे निकलने वाले थे, 7 बज चुके हैं, इसलिए फटाफट रेडी हो गए हैं। और आज हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए, एंड बरसाना के लिए हमने पूरा गोपी लुक लिया है। पूरे गोपी लुक अवतार में आ गए हैं हम लोग। और बरसाना से फिर कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? नंदगांव। तो आज दो प्लेसेस पे जाने वाले हैं, बरसाना और नंदगांव। बोला था कि गाड़ी लेट्स गो फॉर इट। ये जो पत्थर के नाक बन गए हुए वही था ना? हाँ जी, ये और शराब ये भागा था भगवान कृष्ण के पास से। अच्छा, तो भगवान बोले बन के जा, तू भाग रहा है, जा पीछे मुड़ के देखेगा वही पत्थर का हो जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने वृंदावन में काली देवी पे इनकी पूछ है, यहाँ उन्होंने मुड़ के देखा तो इस जगह ये पत्थर के हो गए। हमारा गांव है जन्म स्थली, गाँव का नाम है जेत। जेत कालिया नाग ना, कालिया नाग पत्थर का हो गया। पहले बरसाना आएगा, फिर गोवर्धन, नंदगांव, गोवर्धन तो उस साइड ना जहाँ पे मेला लगा हुआ है, गोवर्धन पे मेला लगा हुआ है। देखिए अब वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, जाना हुआ तो जाएंगे, वरना हमारा तो कोई प्लान नहीं है। फिर वहाँ अभी 5 दिन का मेला लगा हुआ है पूनम की वजह से, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम पहुंच गए हैं बरसाना, और यहाँ सबसे पहले हम आए हैं राधा रानी का महल देखने, राधा रानी मंदिर देखने। और हमने यहाँ पे हमारे चप्पल निकाल दिए हैं, यहाँ बोलते हैं ऊपर से चप्पल गायब हो जाते हैं, तो ठीक है हमने गाड़ी में ही चप्पल रख दिए हैं और अब पैदल जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ आ गए, सबसे पहले हमने चाय पियेंगे क्योंकि कुल्लड़ वाली चाय हमने सुबह से चाय नहीं पी है, तो थोड़ा लेट हो गया था तो चाय हमने स्किप कर दी। कुल्लड़ वाली चाय पी, चाय चाय भैया जी चाय लीजिए, लस्सी बाद में पिएंगे, लस्सी बाद में पिएंगे, मीडियम ज़्यादा मीठा भी नहीं। अगर यहाँ आए तो रेकमेंड। तो ये टोटल 300 स्टेप्स है, अभी पता नहीं, मैंने तो गिनती नहीं की जितने स्टेप्स चढ़े हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। चलो अब फटाफट से चढ़ जाते हैं दौड़ के, जो थकान लगनी होगी एक साथ लग जाए। फोटो कर दी
तो राधा रानी के दर्शन करके आए, पर ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अभी यहाँ पर बैठे हैं लस्सी पीने। ये आ गई अपनी मक्खन वाली लस्सी, बहुत बड़ा कूलर है भैया, मुझे तो पिया नहीं जा रहा, बस खत्म कर देंगे, टेस्टी बहुत है। तो अभी हम आए हैं प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर एक ऐसी जगह जहाँ कान्हा जी बैठ के बांसुरी बजाते थे और राधा रानी दौड़ के आ जाती थी उनसे मिलने। कितना सुंदर दृश्य होता होगा वो। सीढ़ियाँ देख देख के ही कुछ कुछ हो रहा है, इतने सारे स्टेप्स। कान्हा जी छोटी सी गली है, एकदम छोटी सी, और यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है। और आगे जाना है, पाँच का एक और आगे थोड़ा सा ही है ना बेटा, आगे थोड़ा सा ही है। हाँ, अब चढ़ाई नहीं है, बोला सामने मंदिर प्लेन का रास्ता है आगे, मशीन से कोई नहीं खाता। तो ये हमारे गांव ये आंटी बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे बंदर है, कैमरा मोबाइल सब अंदर रख दो वरना वो ले जाएंगे। तो मैं आगे रिस्क नहीं ले सकती, अगर बंदर दिखा तो मैं कैमरे अंदर रख दूँगी। सब जगह बंदरों का बहुत आतंक है बाबा, हनुमान दादा वीडियो नहीं लेने देते। ये है नंद भवन टेम्पल जहाँ कान्हा जी का बचपन बीता। यहीं पे आकर के नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया, जैसे हम आप लोग अपने घर में अपने लड़के का बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये है कीर्ति मंदिर और वहाँ पर है रंगीली महल। तो यहाँ हमने कीर्ति मंदिर के दर्शन किए और यहाँ पे बाजू में रंगीली महल है, पर वहाँ पे शायद एंट्री बंद है तो वहाँ पर जा नहीं सकते, पहले जाने देते थे, अब पता नहीं क्यों कुछ रीज़न से बंद है। तो और कीर्ति यहाँ पर आए तो कीर्ति मंदिर तो ज़रूर आना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये मंदिर, ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहे। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलाएगा तो बोलेगा आइए राधे, आइए राधे। फिर अगर आपको कोई किसी को आपको साइड में करना हो तो बोलना पड़ता है राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, जाइए राधे, जाइए राधे, सब राधे राधे ही बोलते हैं कि राधे, माता जी हो तो माता जी है ना, बड़े हो तो माता जी, बाकी लड़कियों को बोलते हैं राधे, आइए राधे, जाइए राधे, राधे राधे, सब राधे राधे ही।
ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।